सो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सिमर SKS व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइज, मैं डेली की तरह दुकान में आ गई हूँ ना। आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, बहुत ही गाइज टेस्टी बनी है, क्या बताऊँ आपको। ये बोल रहे थे मुझे रोटी लेके नहीं जानी। गाइज ये ना कल रोटी नहीं लेके गए, मैं तो इनकी मिन्नतें कर रही थी, बनाई हुई छोड़ गए। बोल रहे थे नहीं, अब मैं खा के जा रहा हूँ, भूख नहीं लगेगी। इनको भूख लग गई थी कल, तो बोलने लगे मुझे भूख लग गई है, भूख लग गई है, मेरे को फ़ोन पे बता रहे थे। मैंने बोला बाहर का कुछ नहीं खाना। तो आज भी बोल रहे थे कि मैंने नहीं अब खा लिया रोटी, अब मैं मुझे भूख नहीं लगेगी शाम तक। तो गई फिर भी मैंने ना इनके लिए रोटी पैक कर दी थी, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी थी। तो बेटा आ चुका है स्कूल से, तो मैं उसके लिए बना बना रही हूँ लंच। सब्जी सुबह की पड़ी है हमारी आलू गोभी की। तो गाइज मैं उसके लिए रोटी बना रही हूँ। सो गाइज उधर कस्टमर आ जाते हैं, फिर मुझे देखना पड़ता है। गाइज मैं सहज के लिए बना रही हूँ रोटी, सब्जी सुबह की पड़ी थी। तो गाइज ऐसे इजी हो जाता है, सिर्फ रोटी बनानी है। गाइज आटा भी मैंने रख रखा था, सुबह का है गाइज ये आटा, रात को नहीं पर मैं गूंद करके रखती, सुबह का है ये। गाइस टैबलेट ली है अभी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है। तो सहज और उसके पापा गए हैं गुरुद्वारा साहिब। तो गाइज मैंने दाल चावल बना लिए हैं, ये बन रही है हमारी दाल और चावल। तो दाल भी बस पकने वाली है गाइज, चावल हमने मैंने थोड़े कम ही बनाए हैं चावल। गाइज चावल कम इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये गए थे गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पे लंगर चल रहा था, तो सहज और ये वहाँ पे खा के आए थे। तो बोल रहे थे कोई कोई बात नहीं, कंपनी के लिए थोड़े थोड़े से ले लेंगे चावल, खा लेंगे। तो गाइस मेरे इधर बन रहे हैं दाल चावल। तो गाइस दाल हमारी पक गई है, चावलों को ढक देते हैं। गाइस हम बाहर बैठे हैं, बाहर ठंडी हवा चल रही है, अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो गाइस हमारा डिनर रेडी है, दाल चावल हमने बना लिए हैं और हम यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।